अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमे का दिन हकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और काजी फ़ायज़ ईसा तीनों पर भारी पड़ा है। इस वक्त इकतदार और ताकत के ऐवान दोनों लरज रहे हैं और हकूमत के ख़ात्मे का वक्त शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है जो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आज बुशरा बीबी की दो बेटियों ने कुरान पर हाथ रखा और उन्होंने हलफ दिया कि हमारी माँ ने इद्दत अपने घर में पूरी की और हमारा बाप झूठ बोल रहा है, वो किसी के प्रेशर में है। हम कुरान पर हलफ देती हैं कि हमारी माँ पीरनी नहीं है, हमारी माँ जादूगरनी नहीं है, और हम अल्लाह की पाक किताब पर हाथ रख कर ये हलफ देते हैं कि इमरान खान और हमारी वालदा के दरमियान कोई नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे। नंदिक्रम, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जिस सोसाइटी के अंदर बेटियों को कुरान पर हाथ रख के अपने माँ की करेक्टर की सफाई देनी पड़े, एक औरत के किरदार की सफाई देनी पड़े, वहाँ का मुआशरा कितना अजीब होगा जहाँ मुकद्दस किताबों का सहारा लेना पड़े। इस पर फवाद चौधरी मैदान में आए, उन्होंने कहा कि सियासत में तलखियाँ इस हद तक नहीं बढ़ानी चाहिए थी कि पर्दादार बच्चियों को अपनी माँ की हुरमत के लिए कुरान पाक पकड़ कर सामने आना पड़े। इद्दत केस पाकिस्तान की सियासत पर एक अमावस की रात जैसा स्याह धब्बा है। अब भी प्रोसिक्यूशन को माफ़ी मांगकर और तौबा करके केस वापस लेना चाहिए, खुदा के लिए कोई अखलाकी अकदार रहने दें। तो ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। फिर इमरान खान ने द टेलीग्राफ, एक बहुत बड़ा जरीदा इदारा है, उसके अंदर एक आर्टिकल लिखा। कल से ये आर्टिकल पूरी दुनिया में छाया हुआ है जिसमें इमरान खान ने जो उनके साथ हुआ, जो कुछ हो रहा है, जो काजी फ़ायज़ ईसा ने किया, जो जस्टिस आमिर फारूक ने किया, जो इन छह जजेस के साथ हुआ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, जो इमरान खान के साथ हुआ, सारी तफासील उसके अंदर लिखी हैं। और उसमें मेन किरदार इस्टेब्लिशमेंट को करार दिया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये इस मुल्क के अंदर तबाहाली हो रही है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे खिलाफ किया गया और मैं डटा हुआ हूँ, मैं झुका हुआ नहीं हूँ। अब इसके बाद इनके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है कि ये मुझे कत्ल कर दें, ये मुझे मार दें। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं मौत के खौफ से आज़ाद हो चुका हूं, अगर ये मुझे मार भी देते हैं तो इस बात की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि अगर मुझे मार दिया गया, अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ, तो इसका जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होगा। तो यह अहम तरीन आर्टिकल है। इससे पहले भी आपको पता है जो इमरान खान ने एक आर्टिकल लिखा, उसके बाद कितनी उस जरीदे की व्यूअरशिप थी और कितना द इकोनॉमिस्ट को ज़्यादा पढ़ा गया और बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद भी हुई, लेकिन उसकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी। अब उसके बाद ये इमरान खान का दूसरा किसी भी इंटरनेशनल जरीदे में आर्टिकल आया है। फिर सुप्रीम कोर्ट से अहम तरीन खबर है, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, यानी 9 मई से एक दिन पहले। ज़रा सुनिएगा खबर कि बेंच जो है वो सुने, बेंच का आप सुनेंगे तो आप फैसला आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी एक अलमिया है कि बेंच से ही पता चल जाता है कि क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और तीसरा नाम जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल ये तीन रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस बेंच का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कम अज़ कम मखसूस सीटें जो 70 से 80 के करीब हैं मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों की और कौमी असम्बलियों की मिला के, ये पीटीआई को मिलें या ना मिलें, ये जो बदमाशिया के अंदर बांटी गई हैं ये सीटें नहीं बचने जा रही। मंसूर अली शाह आने वाले चीफ जस्टिस सीनियर प्यूनी जज हैं। मेरे ख्याल से जो उन्होंने काजी का हाल देख लिया है, जो काजी की लेगेसी है, वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और जजों वाले मामले पर भी हमने देखा कि वो काजी से मुख्तलिफ साइड पर खड़े नजर आए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कोई ऐसा मुतनाज़ फैसला नहीं करेंगे जिस तरह के फैसले काजी ने किए और अभी तक कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस तरह की लेगसी नहीं रखना चाहेंगे। मेरे ज़ाती ख्याल में वो इसमें 50-50 किरदार अदा कर सकते हैं, अगर आप 100% श्योर ना भी हों। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला, किसी को कोई शक नहीं है कि वो आइन से इधर उधर होंगे। आइन अगर पीटीआई के खिलाफ जाता है तो पीटीआई के खिलाफ जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाता है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएंगे, नून लीग के खिलाफ जाता है नून लीग के खिलाफ जाएंगे। और आइन के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किसी की जीती हुई सीटें, उस पर मखसूस नशिस्तें वो किसी और को दे दो। फिर तीसरे नंबर पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र,
उनका तो आपको पता है ये ना 3 में ना 13 में है, इनको गिना ही ना, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता, इनकी कोई आज़ाद राय नहीं है। ये वही जज हैं जो काजी साहब के साथ बैठे हुए थे जब उन्होंने 13 फरवरी का फैसला दिया था और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया था। लिहाजा ये 3 रुकनी बेंच है, बेंच बड़ा बैलेंस है, 8 मई को समाप्त है। लगता है यही है साफ तौर पे कि पीटीआई को मखसूस सीटें वापस मिल जाएंगी तो हुकूमत और बाकी जमातों के पास तो ये सीटें बहरल नहीं रहने वाली। इसका मतलब क्या है, हुकूमत 2/3 मेजोरिटी और वो जो सारी जाली एक ताकत बनाकर दी गई उससे महरूम हो जाएगी। ऊपर से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम करना शुरू कर दिया है, फिर जो इस्लामाबाद की 3 सीटों के ओरिजिनल फॉर्म 45 मंगवाए गए हैं, फिर केपीके के अंदर ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है, पंजाब के अंदर 6 जजेस ट्रिब्यूनल के हवाले किए गए हैं, के हवाले से फैसले करेंगे, तो इधर से सीटें कम होना शुरू हो जाएंगी और इधर से भी ये सीटें नहीं रहेंगी। नंबर एक, हुकूमत गई या हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर हुई, गिरने का आगाज हुआ हुकूमत का, तो फिर दूसरे नंबर पे काजी की एक्सटेंशन नहीं होगी, फिर तीसरे नंबर पर एस्टैब्लिशमेंट का जो मंसूबा है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस एक खबर से ये तीनों आप कह लें कि बर्बाद हो जाएंगे, तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है और बड़ी खुशखबरी है। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आईबी ने सरेंडर किया, आईबी ने कहा कि हमने अपनी दरख्वास्त वापस लेनी है। ये ऑडियो लीक्स वाले मामले में जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जो हमने इतराज़ किया था इस पर भी समाप्त हुई और आज जस्टिस बाबर सत्तार ने दोबारा इनकी तबीयत साफ़ की है। खबर ज़रा सुने, ऑडियो लीक्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त बनी जब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने आईबी की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के सामने पेश होकर कहा कि आपके केस सुनने पर इतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वो दरख्वास्त पहले ही मुस्तरद हो चुकी, आपसे इस हद तक जवाब मांगा था कि दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी किसने दी, और डीजी आईबी को नोटिस किया, यानी आईबी के सरबराह को नोटिस किया कि क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अब आपने जो कहना है ऑर्डर आने पर कह दीजिएगा, इसलिए आपकी मुतफरिक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ बरकरार हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी दरख्वास्त तो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी, आप अब ऑर्डर आने के बाद ही कुछ कहिएगा। मैंने तो पूछा था कि ज़रा बुलाएं ना अपने सरबराह को, उनसे पूछें कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ये मामलात हैं। फिर पीटीआई और किसान भी अग्रेसिव हो चुके हैं, आज पीटीआई की क्यादत लाहौर पहुंची हुई है और लाहौर में वो क्लास से असद कैसर और दीगर पीटीआई के रहनुमा खिताब कर रहे हैं। फिर दूसरी जानिब किसान सड़कें बंद कर रहे हैं, ट्रेनें बंद कर रहे हैं, पीटीआई पंजाब में अपने कदम जमा चुकी है। इधर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो है वो ऐलान कर दिया है, फिर हाई कोर्ट की तरफ से भी यही मामलात हैं। लिहाजा तमाम तर मामलात इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और काजी फायजी साहब और तमाम ये जो एक गठजोड़ है इनके खिलाफ जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान पहले से तगड़े, पहले से मजबूत और पहले से ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहे हैं। पीटीआई की कामयाबी ऐसे लगता है कि 2 कदम की दूरी पर है और ये जो एक फेक निज़ाम खड़ा किया था इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ास तौर पर, ये निज़ाम अब धड़ाम से गिरने जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।